इससे पहले जो वीडियो था उसमें हमने सेल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ेंगे। ये सेल ऑर्गेनेल्स क्या होता है पहले इसके बारे में हम जानेंगे। मैनी स्मॉल लिविंग स्ट्रक्चर आर प्रेजेंट इन द सेल। दीज आर इक्वलेंट टू द ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, हैंस दे आर नेम्ड एज सेल ऑर्गेनेल्स। देखो सेल के अंदर बहुत छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं, उनको हम क्या बोलेंगे, सेल ऑर्गेनेल कहेंगे। जैसे हमारे शरीर में ऑर्गन होते हैं, हमारा शरीर किससे बनता है, ऑर्गन से मिलकर बनता है, ऐसे ही सेल के अंदर भी ऑर्गन होते हैं। उन सेल के ऑर्गन को क्या बोल देंगे हम, सेल ऑर्गेनेल्स बोल देंगे। ठीक है, आप देखो जैसे ये सेल है, सेल का स्ट्रक्चर है, ये सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या है, प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म को भी हमने दो भागों में डिवाइड कर दिया था, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस को छोड़ के जो भी सारा चीज बच गया मेम्ब्रेन के अंदर वो क्या है, साइटोप्लाज्म। अब इस साइटोप्लाज्म में जो ये छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं, इसको क्या बोलेंगे, स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। जो ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर हैं, ये है ये 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 या ये जो बिंदु बिंदु से दिखाई दे रहे हैं आपको, ये इसको बोलेंगे हम साइटोप्लाज्म। और ये साइटोप्लाज्म किस से मिलकर बना है उसके बारे में हम जानेंगे कि साइटोप्लाज्म में क्या क्या होता है, उसको हम डिटेल में जानेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जरा ध्यान से देखना। तो सबसे पहला है भाई प्लास्टिड्स। द मेन सेल ऑर्गेनेल्स आर, ये जो जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहला पॉइंट है प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स क्या होता है, देखो सबसे पहले तो आप ये जान लो, ये जो प्लास्टिड्स होता है ये प्लांट सेल में होता है, एनिमल सेल में नहीं होता। ये सिर्फ किस सेल में होता है, प्लांट सेल में होता है प्लास्टिड, एनिमल सेल में ये नहीं होता, हमारे अंदर नहीं होता, जानवरों के अंदर नहीं होता ये। ठीक है, ये सिर्फ प्लास्टिड्स किस में होता है, प्लांट सेल में होता है, एनिमल सेल में नहीं होता। अब देखो ये होता क्या चीज़ है, इसका काम क्या है, पॉइंट वाइज हम करेंगे। दीज आर लार्ज सेल ऑर्गेनेल्स, ये सेल ऑर्गेनेल्स बड़े लार्ज सेल ऑर्गेनेल्स है, किस में होते हैं, प्लांट सेल में होते हैं, किस में होते हैं, प्लांट सेल में ये होते हैं। दीज में कंटेन, और इसमें क्या होता है, पिगमेंट होता है। पिगमेंट क्या होता है, एक तरह का कलर, पिगमेंट को आप क्या कह सकते हैं, कलर कह सकते हैं। डैट प्रोवाइड कलर टू द सेल, और ये पिगमेंट क्या करता है भाई, सेल को क्या करता है, कलर देता है। अब देखो कैसे देता है, द ग्रीन कलर्ड प्लास्टिड, अब प्लास्टिड भी कई तरह के होते हैं, और जो ग्रीन कलर्ड प्लास्टिड होता है उसको बोलेंगे क्लोरोप्लास्ट। क्या बोलेंगे, क्लोरोप्लास्ट। ग्रीन कलर के प्लास्टिड को क्या बोलेंगे, क्लोरोप्लास्ट। और इस क्लोरोप्लास्ट का काम क्या है, दे मैन्युफैक्चर फूड फॉर ग्रीन प्लांट बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। आपने पढ़ा होगा कि जो पौधे होते हैं, प्लांट्स होते हैं, वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से अपना जो क्या बनाते हैं, फूड बनाते हैं। तो ये फूड बनाने का काम कौन करता है, यही क्लोरोप्लास्ट करता है। इसी क्लोरोप्लास्ट की वजह से जो पौधे अपना भोजन खुद बनाते हैं। अब नेक्स्ट है, ये तो हो गया एक तरह का, पहली तरह का प्लास्टिड्स हो गया क्लोरोप्लास्ट, ये प्लास्टिड है, इसका काम है खाना बनाना, फूड बनाना पौधे के लिए। दूसरा आ गया प्लास्टिड एसोसिएटेड विद द डिफरेंट कलर्ड पार्ट ऑफ द प्लांट लाइक फ्रूट वेजिटेबल एंड आर कॉल्ड क्रोमोप्लास्ट। अब क्या आ गया, क्रोमोप्लास्ट, ये भी एक प्लास्टिड्स है, क्रोमोप्लास्ट। और इस क्रोमोप्लास्ट का क्या काम है, क्रोमोप्लास्ट का काम है, देखो ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है, ये तो इसका काम क्या है, जो पत्तियां होती हैं पत्तियों को रंग देना, पौधे की जो लीव्स होती हैं उसको कलर देना, और जो ये पौधों की लीव्स में होता है, और लीव्स क्या करती हैं भाई, फिर उस क्लोरोप्लास्ट से क्या बनाती हैं, एक तो रंग मिलता है उसको पत्तियों को हरा, और उस रंग से वो और क्लोरोप्लास्ट से वो क्या बनाती हैं, खाना बनाती हैं। और क्रोमोप्लास्ट का काम क्या है, क्रोमोप्लास्ट का काम है पत्तियों को छोड़कर जो पौधे के अन्य जो पार्ट होते हैं, दूसरे जो पार्ट होते हैं उसको कलर देना। जैसे किस किस को कलर देते हैं, फ्रूट को कलर देते हैं, वेजिटेबल को देते हैं वो कलर, ठीक है, लाइक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। ठीक है, दूसरे जो उसके पार्ट होते हैं पौधे के, जैसे कि पौधे में फूल भी लगता है, फूल का रंग अलग होता है पत्तियों से, किसी का सफ़ेद किसी का लाल, तो वो कौन देता है, वो देता है क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, तो फल का रंग भी पौधे से अलग होता है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि सारे फल क्या हों, ग्रीन ही हों। क्रोमोप्लास्ट का काम क्या होता है, क्रोमोप्लास्ट का काम होता है पौधे को जो फल है उसको रंग देना।
तो क्रोमोप्लास्ट का क्या काम होता है? क्रोमोप्लास्ट वो प्लास्टिड है जिसका काम क्या है, पौधे के जो पत्तियों को छोड़ के, लीव्स को छोड़ के जो दूसरे पार्ट हैं उनको कलर देना। अब नेक्स्ट है लीकोप्लास्ट, ये भी एक तरह का क्या है, प्लास्टिड्स है। इसका काम क्या है, ठीक है, अब ये क्या है, दीज प्रोवाइड स्पेस टू स्टोर स्टार्च एंड प्रोटीन ऑयल एट्सेट्रा। इसका काम क्या है, जो पौधा बनाता है स्टार्च बनाता है, प्रोटीन बनाता है या ऑयल बनाता है, उसको दीज प्रोवाइड स्पेस टू स्टोर, ये एक तरह का क्या है, स्टोर है, जिसमें क्या क्या रहता है, स्टार्च रहती है, प्रोटीन रहता है और ऑयल रहती है। और ये क्या होते हैं भाई, डिफरेंट प्लांट्स आल्सो कंटेन सम कलरलेस, ये क्या होते हैं, कलरलेस प्लास्टिड्स होते हैं। लीकोप्लास्ट क्या होते हैं, कलरलेस प्लास्टिड होते हैं, और इनका काम होता है जो पौधा स्टोर करना, ठीक है, एक तरह के ये क्या है, स्टोर हैं, जिसमें क्या स्टोर रहता है, स्टार्च प्रोटीन और ऑयल। तो हमने तीन तरह के प्लास्टिड पढ़े हैं, पहला है क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट का काम होता है लीव्स को रंग देना, ठीक है, लीव्स को रंग देना, और उस जो क्लोरोप्लास्ट से क्या बनाते हैं, जो इसमें क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है, और क्लोरोफिल से जो पौधे होते हैं अपना खाना बनाते हैं। दूसरी तरह का प्लास्टिड है क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट का क्या काम है, पौधे के अन्य जो भाग हैं उनको कलर देना। और लीकोप्लास्ट का काम क्या है, ये एक स्टोर की तरह काम करते हैं, स्टार्च को, प्रोटीन को और ऑयल को ये क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, देखो नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आएगा, ध्यान से देखना। नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल्स जो है वो क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, दीज आर रोड शेप्ड, किस शेप के होते हैं, रोड की तरह होते हैं, ऐसे रोड की शेप के होते हैं, और स्फेरिकल स्ट्रक्चर, और स्फेरिकल भी हो सकते हैं। दे आर प्रेजेंट इन लार्ज नंबर इन सेल्स, और ये जो सेल में बहुत ज़्यादा संख्या में होते हैं, ठीक है। दे आर रिस्पॉन्सिबल, अब ये इंपॉर्टेंट है, इस अब ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन का मतलब है जो हम फूड खाते हैं, ठीक है, उस फूड को एनर्जी में चेंज करना। अगर जो हम खाना खाते हैं वो एकदम से एनर्जी में चेंज नहीं होती, उसको एनर्जी में चेंज कौन करेगा, उसको चेंज करेगा माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन का मतलब है कि फूड को एनर्जी में चेंज करना। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन एंड फॉर जनरेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी पैदा करते हैं फॉर डिफरेंट एक्टिविटी ऑफ लाइफ प्रोसेस। हमें देखो, हमें काम करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, एनर्जी के लिए हम खाना खाते हैं, मगर खाना सीधा एनर्जी में चेंज नहीं होता, एनर्जी में चेंज कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया करता है। इसलिए हैंस दे आर आल्सो कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ सेल, क्योंकि ये हमारे जो शरीर को पावर देते हैं, एनर्जी देते हैं, इसलिए इसको माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। और ये इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में जरूर आएगा, ध्यान से इसको कर लेना। अगला सेल ऑर्गेनेल है एंडोप्लाज्मिक रेक्टिलम, इसको ER भी कह सकते हैं, एंडोप्लाज्मिक का मतलब ई और रेक्टिलम को R लिख दिया हमने, तो ER भी शॉर्ट में इसको ER कह सकते हैं हम। अब इसमें क्या है, इट इज़ ए नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन, ये एक मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन का नेटवर्क है। इट प्रोवाइड चैनल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इन ए सेल, ER इज, अब इसका काम क्या है, ये ट्रांसपोर्ट, इट प्रोवाइड ए चैनल, चैनल का मतलब रास्ता, और ट्रांसपोर्ट का मतलब आना जाना, आने जाने का रास्ता, किसके आने जाने का रास्ता, जो सेल के अंदर मटेरियल होता है उसके आने जाने का, ये क्या कहते हैं, रास्ता प्रोवाइड करवाता है आने जाने के लिए। सेल का जो भी कुछ, सेल से कुछ मटेरियल बाहर जाता है, कुछ अंदर आता है, उसके लिए ये क्या करता है भाई, एक तरह का ट्रांसपोर्ट का काम करता है। और ER दो टाइप की होती हैं, पहली है रफ ER, रफ ER क्या होती है, दूसरी है स्मूथ ER। तो रफ ER के बारे में जानेंगे, दिस टाइप ऑफ ER हैज अ रफ अपीयरेंस, ये रफ होती है, खुरदरी होती है, एज क्यों होती है, क्योंकि इसके ऊपर इट इज स्टडीड विद राइबोसोम्स होते हैं, इसके अंदर क्या होते हैं, राइबोसोम होते हैं इसके ऊपर। इट प्लेज एन वाइटल रोल इन सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स, और ये प्रोटीन के सिंथेसिस में क्या करते हैं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। अब आप कहोगे ये सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन क्या होता है, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन का मतलब है प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन, ये प्रोटीन को एक तरह के बनाते हैं। रफ ER का काम क्या होता है, रफ ER का काम होता है प्रोटीन का सिंथेसिस करना, ठीक है। जैसे इस चित्र में दे रखा है, देखो ये है
रफ ईआर, ये जो आपके के पास डॉटेड डॉटेड से इसके ऊपर देख रहे हो, ये क्या चीज़ है? राइबोसोम। और राइबोसोम क्या करते हैं? प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं, प्रोटीन का प्रोडक्शन करते हैं, क्योंकि सेल को प्रोटीन की जरूरत होती है, ठीक है, और शरीर को भी प्रोटीन की जरूरत होती है। जितना प्रोटीन सेल के लिए चाहिए वो अंदर आ जाता है, बाकी शरीर को मिल जाता है, ठीक है। और स्मूथ ईआर क्या होता है? दिस टाइप ऑफ ईआर डज नॉट हैव राइबोसोम, इसमें राइबोसोम नहीं होते। रफ वाले में राइबोसोम होते हैं, इस ईआर में राइबोसोम नहीं होते। अटैच टू इट देयरफॉर इट हैज ए स्मूथ अपीयरेंस, इसलिए ये क्या होती है? स्मूथ होती है, मुलायम होती है। इट हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ फैट्स, और इसका काम क्या है? फैट का सिंथेसिस करना, ठीक है। इसका काम था प्रोटीन का सिंथेसिस करना, प्रोटीन का प्रोडक्शन करना, और इसका काम क्या है? फैट का प्रोडक्शन करना। नेक्स्ट है गोल्जी कॉम्प्लेक्स। गोल्जी कॉम्प्लेक्स क्या होता है? दे आर सैक लाइक स्ट्रक्चर, सैक का मतलब होता है थैला, थैले की तरह स्ट्रक्चर होते हैं, स्टैक्ड वन अबव द अदर, एक के ऊपर एक ऐसे लगे होते हैं, थैले की तरह होते हैं, एक के ऊपर एक लगे होते हैं ऐसे। दे आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग ऑफ मटीरियल प्रोड्यूस्ड बाय द सेल, और इनका काम क्या होता है? जो भी सेल मटेरियल बनाएगी उसकी ये प्रोसेसिंग करते हैं और पैकेजिंग करते हैं, ठीक है। इनका काम है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स का क्या काम है? जो भी सेल मटेरियल बनाती है उसकी प्रोसेसिंग करते हैं और पैकेजिंग करते हैं। इसका काम क्या होता है भाई? मटेरियल को सेल के बाहर भेजना और जितना मटेरियल सेल को चाहिए वो सेल को देना, ठीक है। प्रोसेसिंग करती है और पैकेजिंग करती है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स का काम ये है। अब उसके बाद आ गया वोक्यूल। वोक्यूल क्या होता है? इट अपीयर्स एज एन एम्प्टी स्पेस इन द साइटोप्लाज्म, ठीक है। ये साइटोप्लाज्म में क्या होता है भाई? एम्प्टी स्पेस, ये देखो, ये देख रहे हो ना आप, खाली। देखो वैक्यूम का मतलब होता है खाली, तो इसी से बनाया वोक्यूल, ठीक है। इसमें क्या होता है भाई? एम्प्टी स्पेस होता है। क्या होता है? एम्प्टी स्पेस, खाली जगह होती है। अब देखो क्या करेगी ये खाली जगह? इट इज जनरली लार्ज इन प्लांट, और ये प्लांट में बड़ी होती है। वोक्यूल प्लांट में बड़े बड़े होते हैं, और जो एनिमल प्लांट होता है उसमें बहुत ही छोटे होते हैं। इट स्टोर्स, इसका काम क्या है? इट स्टोर्स वाटर एंड वेस्ट प्रोडक्ट, ये क्या करती है? जो भी वाटर है और जो सेल का वेस्ट प्रोडक्ट है उसको ये इकट्ठा करती है, स्टोर करती है। ये वोक्यूल का काम है, इसलिए ये क्या होते हैं? खाली होते हैं, ठीक है। इट इज अपीयर एम्प्टी स्पेस होता है ये, और इनका काम क्या होता है? वाटर और वेस्ट प्रोडक्ट को इकट्ठा करना। आगे आ गया भाई राइबोसोम। अभी हमने राइबोसोम के बारे में पढ़ा था कि राइबोसोम कहाँ होते हैं। दे आर टाइनी ग्रैनुअल्स प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म, ये एक ग्रैनुअल होते हैं, दाने की तरह होते हैं, ऐसे ऐसे दाने से होते हैं, एंड साइटोप्लाज्म में होते हैं, एंड ऑन द रफ ईआर। अभी आपको मैंने पढ़ाया था कि ये किसके ऊपर होते हैं? ये रफ ईआर के ऊपर होते हैं, और इनका काम क्या होता है? प्रोटीन का सिंथेसिस करना। राइबोसोम का क्या काम होता है? प्रोटीन का प्रोडक्शन करना, सिंथेसिस का मतलब प्रोटीन बनाना, ठीक है। इनका काम क्या होता है? प्रोटीन बनाना। और नेक्स्ट है सीलिया एंड फ्लैजिला। सीलिया एंड फ्लैजिला क्या होता है? सीलिया और फ्लैजिला में, सीलिया और फ्लैजिला क्या होता है? सम सेल्स हैव दीज स्मॉल एक्सटेंशन, कुछ सेल्स में क्या होती हैं भाई? कुछ स्मॉल एक्सटेंशंस होती हैं देयर सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के बाद भी कुछ एक्सटेंशन होती हैं, उसको क्या बोल देंगे? सेल सीलिया और फ्लैजिला बोल देंगे। दे हेल्प इन लोकोमोशन एंड कलेक्शन ऑफ फूड, ये क्या करते हैं भाई? लोकोमोशन का काम करते हैं, चलने फिरने का काम करते हैं, उसकी चलने के लिए उसमें मदद करते हैं, किसी ऑर्गेनिज्म के चलने में मदद करते हैं, और कलेक्शन ऑफ फूड, और फूड इकट्ठा करते हैं, ठीक है। और ये कम ही सेल्स में होते हैं, सम सेल्स में होते हैं, ये सभी में नहीं होते, ठीक है। एग्जांपल के लिए देखो युगलीना है, युगलीना में जो आप ये देखो, ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन की ये एक्सटेंशन है, फालतू सेल मेम्ब्रेन से भी कुछ आगे है, इसको बोल देंगे फ्लैजिला, ठीक है। इसमें ये एक ही है, और देखो ये सीलिया, ये भी एक ऑर्गेनिज्म है, पैरामीशियम, ये है युगलीना, युगलीना में क्या है ये, इसको बोलेंगे फ्लैजिला। और पैरामीशियम में ये छोटे 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 से बाल की तरह देख रहे हो ना आप, इसकी बाउंड्री पे, सेल मेम्ब्रेन की बाउंड्री पे, इसको बोलेंगे सीलिया। और इन दोनों का काम क्या होता है? एक तो फूड इकट्ठा करना, मान लो ये युगलीना है, युगलीना इससे फूड इकट्ठा करेगा और उसकी चलने फिरने में क्या करेगा? मदद करेगा। ऐसी इसका काम भी क्या है? लोकोमोशन है, ठीक है, चलना फिरना, सेल की चलने फिरने में मदद करना, क्योंकि ये एक सेल के ही, क्योंकि इसमें सिंगल सेल ही होती है पैरामीशियम में, ठीक है, इसकी मदद करता है चलने फिरने में, और फूड इकट्ठा करने में इसकी मदद करता है, ठीक है।
तो ये सीलिया और फ्लैजिला का काम है, लोकोमोशन और कलेक्शन ऑफ फूड। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।